नमस्कार, केआरटी न्यूज नेटवर्क देश के बाद देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब लोगों की जो निजी जिंदगी है वो खत्म सी हो गई है, क्योंकि वहां की सरकार चीनी स्टाइल में निगरानी जो है वो रख रही है। उन्होंने निगरानी रखना शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियां लोगों की निजी जानकारी गुमनाम एजेंसियों को दे रही है। इस मामले का खुलासा हाईकोर्ट में पहुंचे एक मुकदमे के बाद हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान में आम नागरिकों की का जो निजी डाटा है किसी मानवीय हस्तक्षेप या बगैर किसी कानून के जो है वो एकत्र करके अनाम जो है एजेंसियों को दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डोन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार की तरफ से हाईकोर्ट की को दी गई जानकारी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकार के निर्देश पर पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों को व्यापक निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए मजबूर किया, जो चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। इस सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी एक क्लिक में मिल सकती है। इस प्रणाली को कानूनी इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इसे बिल्कुल चीन की तरह लागू किया गया है। इस प्रणाली के ऊपर ना तो कोई कानून नियंत्रण है, ना ही इसको किसी नियामक जांच के अधीन रखा गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां बगैर किसी रोक टोक के किसी की भी जासूसी जो है वो कर सकती हैं। आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान में कुछ समय पहले देश के प्रमुख लोगों से जुड़े फोन कॉल लीक हुए थे। कथित तौर पर इन फोन कॉल को किसी तीसरी पार्टी की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। मीडिया और सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद इससे प्रभावित कुछ लोगों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में चल रही सुनवाई के दौरान जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सतार ने जोर देकर सरकार से जानकारी मांगी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम लागू किया गया है।